सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इज लाइफ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुए बेहद रोमांचक 47th आईपीएल मैच की फुल हाइलाइट्स के बारे में, जो कि ईडन गार्डन्स में खेला गया था। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस को जीता और बॉलिंग को ऑप्ट किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ओपन करने आए शुभमन गिल और क्रिस लिन, इन्होंने अपना ओपनिंग ऑर्डर पूरा बदल दिया। हर बार सुनील नारायण और क्रिस लिन आते थे, मगर इस बार शुभमन गिल को चांस दिया गया और वास्तव में इन्होंने अपने दिए गए चांस का काफ़ी शानदार उपयोग भी किया। क्रिस लिन ने 54 रन बनाए, अच्छी पारी खेली, लेकिन शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ पारी खेली और दिखा दिया कि मुझ में भी बेहद दम है। उन्होंने 45 बॉल्स में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 76 रन्स बनाए। उसके बाद आए आंद्रे रसेल। रसेल द मसल के बारे में हम सभी जानते हैं, कितनी शानदार पारी खेलते हैं और इस बार भी इन्होंने बेहद ज़बरदस्त पारी खेली। इन्होंने 8 छक्के और 6 चौकों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से 40 बॉल्स में 80 रन्स बनाए और काफ़ी हेल्प करी केकेआर को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने 15 रन बनाए और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 232 रन का एक बेहद शानदार स्कोर खड़ा किया। बात करें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की, तो बॉलिंग आज बिल्कुल ठप रही, इनकी बॉलिंग बेहद ख़राब रही। केवल राहुल चहर ने 1 विकेट लिया और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया, बाकी सभी अच्छे बॉलर्स को बैट्समैन ने काफ़ी परेशान किया और काफ़ी शानदार तरीके से धोया। उसके बाद आई मुंबई इंडियंस की बैटिंग। ओपन करने आए क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा। क्विंटन डीकॉक बिल्कुल फ्लॉप रहे और 0 पर ही आउट हो गए। रोहित शर्मा ने भी कुछ खास नहीं खेला और केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद एविन लेविस, जो कि लास्ट मैच में अच्छी पारी खेले थे, वो भी केवल 15 रन बनाकर ही चलते बने। सूर्य कुमार यादव थोड़ा ठीक खेले, 26 रन बनाए। कायरन पोलार्ड भी अच्छा खेले और 20 रन बनाए, लेकिन उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, बेहद रोमांचक और बेहद शानदार पारी खेली और इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया कि सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई है इस आईपीएल मैच की। इन्होंने 17 बॉलों में 50 रन बनाए। उसी के साथ इन्होंने 9 छक्के और 4 जो चौके हैं वो 6 लगाए और 267 की स्ट्राइक रेट से 91 रन्स बनाए और इनकी बैटिंग देखने में अलग ही आनंद आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। अगर ये आउट ना होते तो आज मुंबई इंडियंस डेफिनेटली ये मैच जीत गई होती, मगर इनका विकेट चला गया और उसकी वजह से मुंबई इंडियंस को काफ़ी लॉस हुआ। कुणाल पांड्या भी ठीक खेले और 24 रन्स बनाए। उसके बाद तो लास्ट में 2 बॉलर्स बचे थे और काफ़ी प्रेशर भी पड़ गया था, तो लास्ट में बरिंदर सरान ने 3 रन बनाए और राहुल चहर ने 1 रन बनाया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ये मैच 34 रन से हार गई। बात करें बॉलिंग की, तो सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट लिए। हैरी गुरने ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिए। आंद्रे रसेल तो काफ़ी शानदार फॉर्म में है, रन भी बेहद शानदार बनाए और विकेट भी अच्छे लिए, इन्होंने 2 विकेट चटकाए। और पीयूष चावला ने 1 विकेट लिया। तो इसी के साथ आज का मैच देखने में काफ़ी आनंद आया। आप लोगों ने अगर मैच देखा होगा तो आपको उस आनंद की अनुभूति होगी, अगर नहीं देखा होगा तो ये हाईलाइट सुन के आपको जरूर आनंद आया होगा। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए कि आपको हार्दिक की बैटिंग में क्या चीज़ सबसे शानदार लगी, उनके चौके मारना या उनके छक्के मारना। इसी के साथ विदा लेते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।